गांधी पीजी कॉलेज में रहने वाले लोगों के लिए निशुल्क भोजन का प्रबंध कराया गया है। वहीं यहां बनने वाले लंच पैकेट बाहर गरीब असहाय लोगों में भी बड़ी संख्या में वितरित किए जा रहे हैं। वहीं नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सचिव मंकेश्वर नाथ पांडे ने इंटर कॉलेज और पीजी कॉलेज सहित शहर के सभी लोगों से अपील किया है कि घरों में रहें और लॉकडाउन का 100% पालन करें। सब इसमें रखा जाएगा। ये इस तरह से ये पैकिंग बनाई गई है जिसमें सब्जी अलग है और पूरी अलग रखी गई है ताकि मिले ना, खराब ना हो, और अच्छे पैकेट में आलू प्याज इसमें नहीं डाला जा रहा है, अरे प्याज नहीं डाला जा रहा है ताकि ये खराब ना हो और ये लोग कोई भी हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, वो इसका भोजन ग्रहण करें। किचन चढ़ने खींचे गए भैया, किचन जहाँ बन रहा है सब्जी खरीद रही है, बोलिए कर दिया। तो 28 मार्च से शाम से हमारी नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी जो कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज और राम नारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज का संचालन करती है, उसमें महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के स्टाफ के सहयोग से और मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ हरिओम नगर कॉलोनी, वहाँ के निवासियों के आर्थिक सहयोग से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसमें हम प्रतिदिन 500 लोगों का भोजन दिन में पूड़ी और सब्जी का अच्छे पैकेट में पैक करके सिविल लाइंस प्रखंड जो नागरिक सुरक्षा का है जिसमें कि तारामंडल, मोहद्दीपुर, इंजीनियरिंग कॉलेज तक जो गरीब हैं, अनाथ हैं, बुजुर्ग हैं उन तक बांटा जाता है। और फिर शाम को कोतवाली प्रखंड में जो जिसमें कि नखास, लालडिग्गी, हमारा रुस्तमपुर ढाला और ये जो बंधा है नौसड़ का, उस पर रहने वाले जो गरीब लोग हैं, विकलांग हैं, उन लोगों तक बांटा जाता है। भोजन हम लोगों के द्वारा तैयार कराकर नागरिक सुरक्षा के लोगों को सौंप दिया जाता है। वो लोगों की टीम मोहल्ले मोहल्ले में अपने लोगों को के माध्यम से इसका वितरण करती है। प्रतिदिन 1000 लोगों का, और कुछ दिनों में हम DIG साहब माननीय राजेश मुंडक जी के, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव जी के कहने पर उन तक भी पहुंचाते हैं। वो लोग भी अपने वाहनों में रखकर जो भी गरीब उन्हें रास्ते में गश्त के दौरान मिलता है उनको वितरित करते हैं। यह सेवा कार्य 14 अप्रैल तक अनवरत रूप से जारी रहेगा और मैं समझता हूं कि इसको अगर सरकार ने आगे भी हमें सेवा करने का के लिए कहा तो हम यह सेवा करते रहेंगे। जीवन चैनल के माध्यम से नगर के अपने सभी मित्रों को, अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों से और अपने सभी छात्र छात्राओं से यह अनुरोध करूंगा
कि वो अपने घरों में रहें, सरकार के नियमों का पालन करें। लॉकडाउन हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और हमें उसको पूरी तरह पालन करना चाहिए। यह सेवा कार्य इस परिसर में रहने वाले जो हमारे अनुचर हैं और जो हमारी हॉस्टल की खाना बनाने वाली टीम है वह कर रही है। कोई भी व्यक्ति बाहर से नहीं आ रहा है न जा रहा है, सिर्फ वितरण करने वाली टीम ही आती है और वो सामान लेकर जाती है।